चुनाव आयोग की तरफ से आदेश है, बहन जी की मूर्ति ढक दी गई है, मगर ये बहन जी की मूर्ति जो ढकी गई है ये इन लोगों के जो बौखलाहट है वो इस बात का संकेत है कि बहन जी 22 में आ रही हैं, इसलिए इन्होंने मूर्ति को ढक दिया है। अब अगर ये मूर्ति को ढका गया, जबकि सिंबल तो हमारा हाथ ही है, बहन जी तो सिंबल नहीं है, बहन जी तो नाई कहाँ है, और इन्होंने उसको ढका है। क्या ऐसा भी कानून है क्या बगैर सिंबल वाली चीज़ों को ढका जा सकता है? बीजेपी है तो सब कुछ का कानून है, बीजेपी जो चाहे उसको ढक देगी। बीजेपी ने तो अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया है। अगर आप सिंबल ही मान के चलते हैं तो कांग्रेस का हाथ का सिंबल है, क्या पूरे भारत में लोगों के हाथ कटवाए जाएंगे या हाथ बाहर नहीं निकलेंगे? सपा का जो निशान है वो साइकिल है, साइकिल पर लोग नहीं चलेंगे क्या? बीजेपी का निशान है कमल का फूल, क्या कमल के फूल नहीं बिकेंगे? ये सब एक इनकी बौखलाहट है, ये दलितों के बहन जी के जो मूर्ति को ढका गया है, इसका जवाब हम आने वाली 2022 की विधानसभा चुनाव में इनको देंगे, और हम ये दिखाएंगे। और हम उन लोगों पर भी नज़र रखे हुए हैं जो लोग बहन जी की मूर्ति को ढकवाया गया, जिन लोगों के आदेश से। किसके सारे पर ढकवाया गया है? ये चुनाव आयोग और मोदी जी का इशारा। अभी आप देख रहे हैं कि जो लोग राशन बट रहा था आपसे पहले, उस राशन पर मोदी जी की मूर्ति आ रही थी, फोटो दी जा रही थी, उस पर नमक पे भी फोटो दी जा रहा है, चावल पे फोटो दी जा रहा है, थैला पे भी फोटो लगाया जा रहा है। जब कहाँ गया था चुनाव आयोग? चुनाव आयोग एक तरफा कार्य हो रहा है चुनाव आयोग। वो भी तो ढक दिए गए हैं आप सर। मोदी जी कहाँ ढक दिए गए? मोदी जी की पैकेट में फोटो, वो भी ढक दिए गए हैं। कब ढक दिए गए? वो थैले वाले पे तो ढक दिए गए, मगर थैले तो घर में पहुँच गए, थैले तो बहुत पहले पहुँच गए घर के अंदर, नमक भी घर के अंदर पहुँच दिया गया। अब नमक अब बोले जाएगा कि नमक को हलाल करो, हमने तो खाया नहीं नमक, हमने तो उठा कर रख दिया। षड्यंत्र है ये षड्यंत्र है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है, ये सबको दिखाई दे रहा है बीजेपी का षड्यंत्र है। और युवा शक्ति दल की टीम और काफ़ी लोग यहाँ आए हैं दलित परिणय स्थल पर। अगर जब बीजेपी मंदिर के नाम से वोट मांग सकती है तो ये भी तो हमारा मंदिर है, अपने मंदिर को क्यों नहीं ढका आपने? बहन जी की मूर्ति को कैसे ढक दिया गया? आप मंदिर को ढकिए, मंदिरों को बंद करिए। आप चाहते हैं मंदिर में हो ना, ढका जाना चाहिए, बिल्कुल ढका जाना चाहिए। अगर बहन जी की मूर्ति ढकी गई है तो नाराज हैं आप लोग? बिल्कुल नाराज हैं। अगर नाराज नहीं है तो उसकी नाराजगी का जो हम जाहिर करेंगे वो हम वोट के हिसाब से करेंगे। बीजेपी को हम हराएंगे, अपमान, ये अपमान जैसी घटना नहीं लगती है आप? बिल्कुल अपमान जैसी। बहन जी जो कहती थी कि मैं दलित की बेटी हूँ, आज बहन जी को दलित की बेटी को मानते हुए तो इन्होंने ढका गया, किसी और को क्यों नहीं ढका? और कल योगी जी कह रहे थे कि मैंने एक दलित के घर में जाकर खाना खाया। आप आपकी अपनी अभी मानसिकता देख लीजिए। आप किसी के घर अगर दलित के घर खाना भी खाने जाते हैं तो उसका भी प्रचार करके बताते हैं कि मैंने दलित के घर खाना खा लिया, जबकि दलित प्रकोष्ठ अलग बनाते हैं क्योंकि पता है कि इसमें सब दलित लोग हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अलग बनाते हैं कि मुस्लिम लोग हैं इसके अंदर। इन्होंने इनकी मानसिकता बिल्कुल तुच्छ है। पर ये तो चुनाव आयोग का आदेश होगा ना? इसमें चुनाव आयोग का आदेश होगा तो चुनाव आयोग ने हाथ क्यों नहीं ढकवाए? साइकिल क्यों बंद नहीं कराई? कमल के फूल बिकने बंद क्यों नहीं कराए? ऐसा काम क्यों नहीं करा चुनाव आयोग? हाती तो आपके भी नहीं ढके गए, हाथी तो ऐसे खुले हुए हैं। तो हाथी अगर हमारा चुनाव चिन्ह हाथी था तो हाथी ढकना चाहिए, तो बहन जी को क्यों ढका गया? बहन जी चुनाव चिन्ह तो नहीं है ना, बहन जी को क्यों ढका गया? बहन जी को क्यों ढका गया? आप ये पूछे आप चुनाव आयोग से, बहन जी को क्यों ढका गया? आप लोगों ने लोगों में इस बात का रोष है और पूरा रोष है। जो लोगों को पता लगेगा वो इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे आने वाली विधानसभा चुनाव में। कालू जी क्या लगता है कि चुनाव आयोग है क्या वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है? कभी नहीं करा चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से काम। चुनाव आयोग तो हमेशा सेंटर गवर्नमेंट के दबाव में काम करता है। जब उन्हें अपनी निकलवाना होता है तो सेंटर गवर्नमेंट के लोग उन लोगों को बैठाते हैं जिनसे उन्हें फायदा होता है। चुनाव आयोग हमेशा पहले भी ऐसे हुआ चुनाव आयोग में। अगर चुनाव आयोग यहाँ था, अभी हमारी टीम चंडीगढ़ में काम कर गई है, चंडीगढ़ में चुनाव था तो 24 घंटे पहले तक भी वहाँ पर केजरीवाल जी के फोटो, खट्टर जी के फोटो और मुख्यमंत्री के, मोदी जी के फोटो सब थे। वो कोई फोटो वहाँ से हटाए नहीं गए और ये कहा गया कि नगर निगम लगाए हुए हैं। लेकिन ये बहन जी के जन्म से एक दिन पहले लगाए हैं सारी पॉलीथीन बहन जी के प्रतिमा पर। बहन जी का जन्मदिन तो तब भी लोग मंगा रहे हैं, अब भी हम मनाएंगे। इन्हें दिखा था कि अभी बहन जी के जन्मदिन पर यहाँ पब्लिक आएगी, आती है, और इन्होंने मूर्ति तो ढक दी मगर जो इन्हें काम करने का था वो काम नहीं किया है ना। आप देखिए कितनी जगह टूटा हुआ है ये भवन पूरा जर्जर होता जा रहा है, इस पर किसी का नज़र नहीं है। अगर नज़र है तो बहन जी की मूर्ति ढकने पर नज़र है। लेकिन जो पोलोथीन लगाई है वो भी काली लगाई है, नीली लगा देते, नीली लगा देते तो बीएसपी का निशान हो जाता। उल्टा काम करना है ना इन्हें। इन्हें नीली पन्नी मिली नहीं होगी, काली पन्नी लगाएंगे। और अगर कहीं इन्हें और बीजेपी का कोई ढकना होगा तो उस पर भगवा लगाएंगे।
तब भी ये प्रचार करेंगे। तो ये क्या काली पोतने जैसा हुआ है? काली पोती जा रही है हम पे कि बसपा की बढ़ती ताकत और बसपा के लोगों का जो संघर्ष है, जो लगातार हर प्रदेश में जनाधार बढ़ रहा है, काम कर रहे हैं हम लोग, उससे ये जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव हम लोग विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद चुनाव आयोग से नहीं थी कि किस तरीके से केंद्र की डुगडुगी पे नाचकर काम करेगा। क्या एक जो उस वृक्ष से महिला आती है जिसको हम आयरन लेडी कहते हैं, आदरणीय बहन जी, से इतनी घबराया चुनाव आयोग जिससे कि प्रतिमा ढक दी गई? क्या ये मान सम्मान को ठेस नहीं है? क्या ये नारी को, महिलाओं का अपमान नहीं है? इस बात की जवाबदेही चुनाव आयोग जो है वो जरूर अपने जहन में पैदा करे कि क्या मैंने गलत किया, क्या सही किया है। सत्ता तो आनी जानी है, आज उन लोगों की है, कल भोजन मूवमेंट की होगी, आदरणीय बहन जी की होगी, क्या इस तरह के कदम उठाने जरूरी हैं? तो ये पिन्नी लगाने का मकसद है क्या? क्या आज जो रोड पर लोग फूल बेच रहे हैं वो जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है, क्या उनकी जो है फूलों को फेंक दिया जाएगा? क्या खेतों में जाकर फूलों के जो फसलें उजाड़ दी जाएंगी? या जो हमारा हाथ है किसी पार्टी का चिन्ह, तो क्या हमारे हाथ कटवा दिए जाएंगे? मैं जब तो मानता कि अगर कोई प्रचार करता, अगर बहन जी के जो है किसी पे, बहन जी के किसी उस पर कुछ चिन्ह होता, बैक पर चिन्ह होता, हाथी का कुछ होता, तो पहले इन्होंने हमारे 2012 में हाथी ढकवाए, 2017 में ढकवाए, अब बहन जी की पिन्नी ढकने का काम कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह है अपने बहुजन समाज के लोगों से कि बहन जी का हम जो है 66वां जन्मदिन मना रहे हैं, सभी लोग हैं, सुधीर भाई हैं, सब लोग यहाँ हैं, कि ये सच्ची अगर ईमानदारी की बधाई होगी तो जब होगी, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनेंगी और जिन जिन राज्यों में चुनाव चलने, चाहे पंजाब है, उत्तराखंड है, या मणिपुर है, या गोवा है, जहाँ जहाँ बसपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हम विजय की तरफ ले जाने का काम करें। क्या वकील साहब, आप जानकार हैं कानून का, ऐसा कोई कानून है किसी नेता की मूर्ति चुनाव से पहले ढक दी जाए? नहीं, देखो कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि ये ढक दी जाए, मगर ये बात आपको समझना पड़ेगा कि मूर्ति बाहर नहीं है ये, अगर कोई व्यू फेसिंग होता है तो उसको ढकने का काम होता है, ये तो अंदर लगी हुई है, अंदर भी ढकने का काम आपने देखो, इनकी मानसिकता दिखाती है कि बहन कुमारी मायावती जी को कितना डर लगता है, अंदर मूर्ति लगी हुई है, बहन जी की मूर्ति को ढकने का कारण यही है कि बहन जी से डरे हुए हैं। 2022 में लोगों ने मन बना लिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, और सब लोगों ने, जितने भी लोग हैं, उन्होंने मन बना लिया कि बहन जी जैसा शासन उत्तर प्रदेश के अंदर हम नहीं दे पाएंगे। सुजीत जी, लेकिन ये तो चुनाव चिन्ह भी नहीं है बहन जी का, जो स्टेचू है। नहीं, चुनाव चिन्ह नहीं है, मगर ये बहन कुमारी मायावती नेशनल पार्टी की लीडर है, नेशनल पार्टी लीडर, जब अगर व्यू हो, कहीं व्यू फेस होता है, जैसे अगर कोई रोड पर कोई लगा होता है, अगर उन लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट में होता है कि कर सकते हैं। मगर मेरा ये सवाल है कि ये तो अंदर है, अगर जो हमारे घरों में मूर्ति लगी हुई है बहन कुमारी मायावती की, मानव काशीराम साहब की हाथी की मूर्ति लगी हुई है, क्या उनको ढकने काम करेंगे? 2012 में, जैसे रवि भाई ने बताया, 2012 में हाथियों को ढकने काम किया था, अब की बात तो नहीं ढका आप लोगों ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में माननीय सतीशन मिश्रा जी ने साबित कर दिया था कि हाथी का जो चुनाव चिन्ह है, हमारा जो हाथी का चुनाव चिन्ह है, उसका सूंड नीचे की तरफ है, ये तो स्वागत करने वाला हाथी है, तो उनको मानने का काम किया। अब जो अंदर ये ढकने का काम किया है, ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये एक अपमान है बहन कुमारी मायावती का, ये पूरे समाज का अपमान है। बहन जी हमारी लीडर है, पूरे समाज की लीडर है, 25% जो वोट है हमारी, इंटैक्ट वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ बहन जी के अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम क्या चुप रहेंगे क्या सर? ये हमारा जो गुस्सा है ये चुनावों में निकलेगा, चुनावों में करेंगे हम इसको बात को। और दल है उनके, जैसे नल है किसी का चुनाव चाहिए, किसी का पतंग है, साइकिल है, हाथी है, कमल है, क्या उन पे भी कार्रवाई होगी लगता है आपको? देखिए, ढकते उनको जिनसे डर लगता है, बहन जी सपने में आती है रात को इनके में कि बहन जी अगर आ गई तो जो हमारे कार्यकलाप हैं 10 साल के, सबकी सबका हो जाएगा, पुलिंदा बन जाएगा। जो पुलिस आज कर रही है, आपको देखा, थाने में ले जाके, उठा के ले जाके जाती है, थाने में मर्डर कर देती है, आपने देखा ना आगरे के अंदर, आपने देखा हाथरस में पुलिस का एक आदमी रात को 2 बजे हमारी एक बहन बेटी के अत्याचार हुआ, उस पर उसकी डेड बॉडी को मिट्टी का तेल डालकर डला दिया जाता है। तो सबको डर लग रहा है कि 2012 में जैसे हमने ढका था, और 2007 से 2012 की सरकार जब बहन कुमारी मायावती रही तो क्या शासन हुआ, अच्छा शासन हुआ, ऐसे ही 2022 में बहन कुमारी मायावती रिपीट कर रही है। नौजवान साथी देखना, आपने कितने नौजवान साथी हैं, आपने देखा रवि गौतम जी हैं, हम लोग हैं, हजारों लोग नौजवान साथी आज बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, और हमारा वादा है ये आप लोगों से कि अब की बार बहन कुमारी मायावती आएंगी और कोई नहीं आने वाली। ये जो चुनाव आयोग की जो है पूरी कार्रवाई, ये निष्पक्ष लगती है क्या आपको? निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष भी होता है क्या? चुनाव आयोग भी उनके ही कटपुतली के काम करता है, चुनाव आयोग में भी वही लोग बैठे हुए हैं,
चुनाव आयोग जो है एक संस्था है जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, मगर वो अपना काम नहीं करती है। वो जहाँ भी हमारे अधिकारों की बात होती है उनको दबाने का काम करती है। ये वोटों से इनको जवाब देना है, जब वोट पड़ेगी तो इतने बटन दबाओ हाथी पर कि अब की बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री हो जाए, सब कुछ हो जाएगा सही। सुजीत जी, जो योगी मोदी जो अनाज बांट रहे हैं गरीबों को, उन्होंने थैला बांटा है, उस पर योगी जी का फोटो भी है, मोदी जी का फोटो है, और वो फोटो घर घर जा चुका है लोगों के अनाज के तौर पर। हमको अनाज नहीं चाहिए, हमको फ्री की चीज़ नहीं चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए। हमें एजुकेशन मिल जाएगी, अपना अधिकार ले लेंगे। हमको रोजगार चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, हमको संविधान का राज चाहिए देश के अंदर। जो एक ही पार्टी दे सकती है वो है बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता है बहन कुमारी मायावती।